शिक्षा पर सभी का अधिकार है। हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए सरकार नई योजनाएं भी लेकर आती है और काफी पैसा भी खर्च करती है। वहीं साथ ही शिक्षा के अभाव की कहानियां भी सुनने को मिलती रहती हैं। लेकिन ऐसा कहीं सुना है कि सिर्फ दो बच्चों के लिए एक स्कूल चलाया जा रहा हो? शायद नहीं सुना होगा, लेकिन ये सच है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में सबसे पहले साक्षर हुए नरसिंहपुर जिले की। यहाँ शिक्षा व्यवस्था के हाल अजब गजब हैं। एक तरफ जहाँ बच्चों की पढ़ाई पर आज उनके पेरेंट्स लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी सिस्टम की खामी के चलते सरकारी स्कूल में लाखों खर्च होने के बावजूद बच्चे बमुश्किल स्कूल आते हैं। सिर्फ एक भाई बहन की प्राथमिक स्कूल की पढ़ाई के लिए सरकार कैसे लाखों रुपए खर्च कर रही है और शिक्षक मुश्किल से बच्चों को घर से बुलाकर पढ़ाने की मशक्कत कर रहे हैं। नरसिंहपुर के गोटेगांव तहसील का चिरचिटा गांव का ये वो सरकारी प्राथमिक स्कूल है जहां की कहानी सरकारी शिक्षा की हकीकत बयां कर रही है। हालात ऐसे हैं कि जिले के इस स्कूल में महज दो बच्चे, वो भी भाई बहन के नाम दर्ज हैं। स्कूल में दो शिक्षक हैं, एक को बच्चों की कमी के चलते पास के दूसरे स्कूल में अटैच कर दिया है, पर दूसरे शिक्षक स्कूल के समय में अपने विद्यार्थियों को खोज कर उन्हें पढ़ाने की कोशिश करते हैं। कभी बच्चे आ गए तो स्कूल लग जाता है, वरना शिक्षक महोदय स्कूल में अकेले समय बिताकर घर लौट जाते हैं। शिक्षा गारंटी योजना के अंतर्गत ये संस्था खुली थी विगत 15 वर्ष पहले, और शासन के निर्देश अनुसार प्रत्येक किलोमीटर में एक प्राथमिक शाला रहती है, उस हिसाब से यह संस्था खुली हुई है। अभी तक कितने बच्चे प्राथमिक शाला में आपकी दर्ज हैं? पहले 4 बच्चे थे, 3 बच्चे 5वीं में थे तो वो निकल गए, कक्षा 6 में पहुंच गए, बचा 1 बच्चा और 1 पुनः दर्ज हो गया पहली में, ऐसे वर्तमान में 2 बच्चे हो गए। सुना है कि बच्चे आते नहीं, लेकिन आप उनको लेके आते हैं, क्या है ये ग्रामीण क्षेत्र सर, कुछ स्थिति ठीक नहीं रहती, आदिवासी बच्चे हैं तो बाजू में ही मकान है, तब बच्चे तो सर उनको ज़्यादा डांट फटकार सकते नहीं हैं, वो चले जाते हैं, मम्मी पापा उनको बुला लेते हैं किसी कारणवश, या कभी कभी वो नहीं आते तो मैं जाता हूँ उनको बुलाने के लिए कि भैया चलो स्कूल चलें, तो वो आ जाते हैं पढ़ने लगते हैं, क्योंकि बच्चे हैं, प्राथमिक का बच्चा अभी 20 सितंबर से शालाएँ खुली हुई हैं, तो इस स्तर से वो बच्चे को समझाते हैं। कक्षा 4 में पढ़ने वाली मनीषा और कक्षा 1 में पढ़ने वाला मनीषा का भाई दीपेश ही इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, और इन्हें पढ़ाने सरकारी सिस्टम इस स्कूल पर हर साल 6 लाख से ज्यादा का खर्च कर रहा है। ऐसे में जरूरत है इन मासूम बच्चों के परिवारों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने की, ताकि सरकार का शिक्षा पर खर्च किया जाने वाला पैसा बर्बाद न हो और बच्चों को उनके हक की शिक्षा मिल सके। समाचार प्लस के लिए नरसिंहपुर से दिनेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।